तो जब मैं मुड़ गया तो मैंने ये नहीं सोचा कि इस बूढ़े का बेटा चला गया है, मैंने सोचा कि यार मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर काम ढूंढते ढूंढते और मुझे काम मिल नहीं रहा है और मैं रेलवे स्टेशन पर सोता हूं, मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूं यार, मेरी बहुत बेइज्जती होती मुझे क्या तो गंदे से बात को उठाकर टीवी लेने नहीं आया हूं मैं, अपने मारे हुए बेटे की हत्या लेने आया हूं, एक बाप अपने बेटे की रात पर अधिकार है नहीं, क्या उसके लिए भी मुझे उपदेश देनी पड़ेगी, आप इतना वक्त होगा मुझे मेरे बेटे की हत्या दिला दीजिए प्लीज।